छोटा सा एक वायर ले लिया है और इस पे ज़्यादा खर्च हो जाता है तो कस्टमर भी थोड़ा चिक चिक करने लगते हैं, तो इसलिए हमें ये रेजिस्टेंस आया हुआ है। ये देखिए, इस पे जब हम देखता हूँ कि मेरा जो ऑडियो का प्रॉब्लम है वो हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज का जो वीडियो बनने वाला है, इस वीडियो में आप देखेंगे कि हमारा जो फ्री टू एयर का सेटअप बॉक्स होता है, इस सेटअप बॉक्स में कभी कभी वीडियो आती रहती है, ऑडियो नहीं, ऑडियो आती रहती है, वीडियो नहीं। तो ये जो प्रॉब्लम होता है, ये मदरबोर्ड का प्रॉब्लम होता है, सेटअप बॉक्स का जो मदरबोर्ड होता है। तो आप देख सकते हैं इसमें जो है ऑडियो नहीं आ रही है, वीडियो आ रहा। तो अब हम इस सिचुएशन में क्या करेंगे, जो सिस्टम ऐसी से इसका ऑडियो वीडियो का सिग्नल जाता है, उस बीच में आप देखेंगे कि ऑडियो के सिग्नल के सामने जो है एक रेजिस्टेंस, ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर लगा रहता है 220 UF 16 वोल्ट का। तो अब हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट करके देखेंगे। जो अगर हमारा सिस्टम आईसी का ऑडियो ठीक रहा तो हमारा ये एक जम्फर से जो है काम निकल जाएगा, नहीं अगर सिस्टम आईसी से ये ऑडियो का फॉल्ट होता है तो फिर उस सिचुएशन में आपको मदरबोर्ड ही चेंज करना पड़ेगा। तो ये मैंने एक छोटा सा एक वायर ले लिया है और इस वायर को जो है मैं पहले कनेक्टर का जो बीच वाला होता है पोल वो होता है नन ग्रिड का, और साइड वाला जो होता है वो होता है अर्थ का। तो यही नन ग्रिड जब टीवी के ऑडियो आईसी के ग्रिड से मिलता है तो वो फिर आवाज़ आती है। तो इस फंडा को तो समझ लिया आपने, लेकिन अब मैं क्या करूँगा, जो सिस्टम आईसी मदरबोर्ड का है उससे जो ऑडियो का सिग्नल आ रहा है, उस बीच में जो रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस पे मैं इसको डायरेक्ट जम्फर लगा करके एक बार देखता हूँ कि मेरा जो है आवाज़ का प्रॉब्लम जो है वो ठीक हुआ कि नहीं। अगर मेरा आवाज़ का प्रॉब्लम ठीक हो जाता है तो हम ये मदरबोर्ड चेंज करने से बच जाएंगे और कस्टमर का 2 रुपया बच जाएगा। इसमें क्या है, मदरबोर्ड चेंज करने पे ज़्यादा खर्च हो जाता है तो कस्टमर भी थोड़ा चिक चिक करने लगते हैं, तो इसलिए हमें इस हालत में मदरबोर्ड को रिपेयरिंग करना पड़ता है। इस तरह से कई भी रिपेयरिंग, कई चीज़ का रिपेयरिंग आप कर सकते हैं, जैसे सिग्नल नहीं आ रहा हो, मदरबोर्ड एक्सेप्ट नहीं कर रहा हो सिग्नल को, तो वो भी आप रिपेयर कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, जो पैनल में लाइट नहीं आ रही है, मदरबोर्ड सप्लाई जो है काम नहीं कर रहा, तो वो भी आपका जो है रिपेयर हो सकता है। लेकिन वैसे उसी तरह ये ऑडियो का भी सलूशन है कि जो सिस्टम आईसी से, आपको दिखाता हूँ मैं, ये रेजिस्टेंस आया हुआ है, ये देखिए, इस पे जब हम इसको आप टच करेंगे तो आवाज़ आ रही है, और इसी रेजिस्टेंस पे मैं ये जम्फर को लगा दूंगा। और यहाँ लगाने से दोस्तों आप कहेंगे कि ये डायरेक्ट हो गया, लेकिन डायरेक्ट नहीं हुआ, इसके पहले जो है 2 रेजिस्टेंस और लगा हुआ होता है। तो आपका जो रिमोट से माइनस प्लस वॉल्यूम होता है वो भी आपका काम करेगा अगर यहाँ पे आप लगा देते हैं तो। कभी अगर मदरबोर्ड में ऑडियो का प्रॉब्लम हो तो आप इस तरह से जो है एक जम्फर लेकर के आप लगा सकते हैं। तो चलिए मैं इसको थोड़ा सोल्ड करके और फिर मैं आपको कम्प्लीटली दिखाता हूँ रिमोट से कम ज़्यादा करके, और फिर मैं देखता हूँ कि मेरा जो ऑडियो का प्रॉब्लम है वो ठीक हुआ कि नहीं। वीडियो पे बने रहिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबा दें ताकि नए नए वीडियो आपके पास में यूं ही पहुंचता रहे। तो देख सकते हैं आप कि मेरा जो ऑडियो का प्रॉब्लम था वो ठीक हो गया, जो सिस्टम ऐसी से इसका सिग्नल जाता है ऑडियो का, ये देखिए उस जगह पे मैंने ये लगा दिया है, और ये दोनों रेजिस्टेंस जो उससे पहले है वो उसको वॉल्यूम माइनस प्लस का को एडजस्ट करेगा। आप देख सकते हैं मेरा आवाज़ का प्रॉब्लम ठीक हो गया, वीडियो भी ओके चल रहा है, और रिमोट से भी मैं कम ज़्यादा कर रहा हूँ, अभी कम ज़्यादा करके दिखाता हूँ मैं।
देखिए ज़्यादा हो गया, वॉल्यूम रिमोट से भी काम कर रहा है, सेटअप बॉक्स मेरा फुल ओके हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, हमें मदरबोर्ड चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है इस तरह के प्रॉब्लम में। तो आप भी इस तरह से आप कर सकते हैं, वीडियो को गौर से देखिएगा, आप समझ में आ जाएगा आपको। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और आगे शेयर कीजिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो को लेकर के हम आपके बीच आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। देख सकते हैं आप मेरा प्रॉपर जो है सेटअप बॉक्स काम कर रहा है, ऑडियो वीडियो जो वीडियो तो ठीक था, ऑडियो का प्रॉब्लम था, मेरा ठीक हो गया। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए।